सुदामा को भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में जाना जाता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता के किस्से बहुत ही विख्यात हैं। लेकिन सुदामा से जुड़ा एक प्रसंग ये भी है कि उनका वध शिव जी ने किया था। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगता है, लेकिन इसका उल्लेख पुराणों में किया गया है। इस प्रसंग के मुताबिक स्वर्ग के एक विशेष भाग गोलोक में सुदामा और विराजा रहते थे। सुदामा को विराजा से प्रेम हो गया था, लेकिन विराजा कृष्ण जी को चाहती थी। एक दिन राधा ने कृष्ण और विराजा को प्रेम करते देख लिया। इससे गुस्से में आकर राधा ने विराजा को पृथ्वी पर आने का श्राप दिया। विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। राधा ने क्रोध में सुदामा को भी श्राप दिया था। इसके चलते सुदामा का जन्म राक्षसराज दंभ के यहाँ शंखचूर्ण के रूप में हुआ। पृथ्वी पर शंखचूर्ण का तुलसी से विवाह हुआ। शंखचूर्ण ब्रह्मा जी का भक्त था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान हासिल कर लिया था। इसके कुछ समय बाद ही शंखचूर्ण ने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। शंखचूर्ण के अत्याचारों से मनुष्य से लेकर देवता भी परेशान हो उठे। देवताओं ने इसके लिए शिव जी से मदद मांगी, लेकिन शंखचूर्ण को श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की प्राप्ति की वजह से शिव जी उसका वध नहीं कर पाए। इस पर विष्णु जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर शंखचूर्ण से श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। साथ ही शंखचूर्ण का रूप धरकर तुलसी के शील का हरण भी कर लिया। इस मौके पर शिव जी ने शंखचूर्ण को अपनी त्रिशूल से भस्म कर दिया। इस प्रकार से शिव जी ने सुदामा के पुनर्जन्म का वध किया।